प्रोपेगेंडा फिल्म को भारत सरकार ने YouTube पर ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद फिल्म को YouTube पर अब ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं लिंक शेयर करने वाले ट्वीट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। फिल्म में पीएम मोदी पर गलत टिप्पणी की गई थी। गुजरात दंगों को लेकर ये पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई थी, जिसको सीधे तौर पर सरकार ने कहा था कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिसके बाद सरकार की तरफ से ही कहा गया कि इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाए। पहला एपिसोड हालांकि रिलीज कर दिया गया था, जिस पर भी रोक लगा दी गई है, और जिन जिन ने उस यूट्यूब के लिंक्स शेयर किए हैं उनके भी वो तमाम लिंक्स अब ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो बीबीसी की ये प्रोपेगेंडा फिल्म, जिसको भारत सरकार ने यूट्यूब पर ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे, उसके बाद अब फिल्म को यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां पर बीबीसी की ओर से एक फिल्म बनाई गई थी जिसे यूट्यूब पर रखा गया, उसे यूट्यूब से फिलहाल ब्लॉक किया गया, और ऐसे ट्वीट भी ब्लॉक किए जा रहे हैं जो उस लिंक को शेयर कर रहे हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ऑनलाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि इस पूरी फिल्म को लेकर सबसे पहले यूट्यूब पर ब्लॉक किया गया, लेकिन साथ ही साथ उनके भी ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया जा रहा है जो इस लिंक को शेयर कर रहे हैं, उन ट्वीट को ब्लॉक किया जा रहा है। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से ये कहा गया है सोशल मीडिया को, खासकर कि यूट्यूब और ट्विटर को, जितने भी इससे रिलेटेड वीडियो शेयर किए जाते हैं उनको ब्लॉक किया जाए। और पहले से भी बहुत सारे ऐसे ब्लॉक किए गए हैं, 50 ऐसे लिंक जो शेयर किए गए हैं उनको ब्लॉक किया गया है, और आने वाले दिनों में अगर शेयर किया जाता है उनको भी ब्लॉक करने के आदेश सरकार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं, जिसमें बीबीसी की इस फिल्म को फिलहाल ब्लॉक किया गया। कोई विपक्षी दल एकजुटता से गठबंधन बनाता दिख नहीं रहा है। 24 के लिए कांग्रेस, मेरा दिल ये पुकारे आजा गा तो रही है, पर कोई आता दिख नहीं रहा है। यात्री निरंतर बढ़ते रहेंगे कर्तव्य पथ पर, हौसला भी बाकी। 24 रिजल्ट के बाद समीक्षा में कहेंगे, क्या कहेंगे कांग्रेसी, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए। लपेटे में नेताजी में आप सबका स्वागत है। आज लपेटे में नेताजी में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, इसलिए सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय। कवियों में एक तरफ अवनीश त्रिपाठी जी, कवि गौरव चौहान,